एक बार आप सबको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज जो है हम लोग 30 जून 2021 के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं, आप गैस भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊँगा ही। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच कंपनी हैज़ ग्रांटेड परमिशन टू इम्प्रूव मॉडर्ना COVID-19 वैक्सीन। तो ये कौन अभी इम्प्रूव कर रहा है? तो ये जो है इस यहाँ पर चार ऑप्शन है, पहला सिप्ला, SII, DR रेडी लेबोरेटरीज और सनोफिया। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर है वो है सिप्ला। जो अभी सिप्ला है इसने मॉडर्ना COVID-19 वैक्सीन की परमिशन की ग्रांट करने के लिए मांगी है। ठीक है, सिप्ला कंपनी, ये सिप्ला इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एशिया लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक फॉर एट ऑटोमोबाइल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंदौर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इंदौर। अगला क्वेश्चन से पहले हम जान लेते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज प्रकाश जावड़ेकर ऑन June 29, 2021 इनॉग्रेटेड नेटट्रैक द हाई स्पीड ट्रैक HST फॉर ऑटोमोबाइल्स इन इंदौर। द ट्रैक इज लॉन्गेस्ट सच ट्रैक इन एशिया एंड द वर्ल्ड 5th लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये आपको याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको याद करके रखने के लिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इसरो इज शेड्यूल टू लॉन्च इट्स फर्स्ट अनक्रूड मिशन इन विच मंथ दिस ईयर। यानी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी जो है शेड्यूल किया है वो एक अनक्रूड मिशन जो है वो इस मंथ में लॉन्च करने वाली इस ईयर। तो ये क्या इस कब करेगी? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर होगा December 21, यानी 2021 दिसंबर में लॉन्च करने वाली है इसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पहले फिर एक बार एक्सप्लेनेशन समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इसरो का, हैज़ अनाउंस दैट इट इज पुटिंग एक्स्ट्रा आवर्स टू अचीव द लॉन्च टारगेट ऑफ इज फर्स्ट अनक्रूड मिशन इन December 2021 एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान। इसका प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है गगनयान। Due to disruption caused in the hardware delivery schedules during the first and second wave of COVID-19, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच लेटेस्ट रैंकिंग इज ऑफ मिथाली राज इन ICC वुमेन प्लेयर। तो ये इसका कौन सा रैंक है? ये फोर्थ आई है, फिफ्थ आई है, सिक्स आई है, सेवन्थ आई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिफ्थ रैंक पर अभी मिथाली राज आई है। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ प्रोमिस्ड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ईच फैमिली इन पंजाब अहेड असेंबली पोस्ट नेक्स्ट ईयर। तो इसका जो वादा है वो कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल, PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह या अमरिंदर सिंह? ये अमरिंदर सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, पंजाब के। अब इन चारों में से कौन है? तो इन चारों में से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर परिवार को देंगे पंजाब में। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट स्पेस। तो अभी कौन सा एजेंसी जो है प्लान कर रही है लॉन्च पहला डिसेबल एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। डिसेबल्ड मतलब क्या है? कि वो अब उसके शरीर में कुछ गड़बड़ी है, ऐसे कि आपने देखा है जिनके पैर नहीं होते हैं, हाथ नहीं होते हैं, मतलब कि वो स्पेशल होते हैं, उनके पैर और हाथ में गड़बड़ी होती है, यानी कि उनके जो पैर हाथ होते हैं वो उससे अपाहिज होते हैं। वैसे एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की सबसे पहला जो प्लानिंग है वो कौन कर रहा है? ये बहुत अच्छी प्लानिंग है, पर ऐसा कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ESA जो है अभी ऐसा कर रहा है कि डिसेबल स्टूडेंट को स्पेस में भेजा जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिस फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर 100th बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व ऑन June 28, 2021, यानी कि 28 जून को किस प्राइम मिनिस्टर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। ये मैंने आपको 27 या 28 जून के करंट अफेयर में भी बताया था। एक बार फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, इसका जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीवी रवि सिम्हा रॉय। तो ये जो थे 100 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे और इनकी आज ये बर्थ एनिवर्सरी है। सॉरी, 100 साल पहले ये नहीं बने थे, मतलब कि ये पैदा हुए थे जब, उससे लेकर आज तक क्या है 100 ईयर्स हो गए हैं इनके बर्थ हुए। अब तो ये जो है मर चुके हैं, पर इनके तब भी इनको जो है सम्मान के तौर पर इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी इनॉग्रेटेड जैन गार्डन इन विच स्टेट ऑन June 27, 2021, यानी 27 जून को जैन गार्डन में किस स्टेट जो है उसमें जैन गार्डन लगवाएंगे पीएम मोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है गुजरात। ये मैंने आपको 26 से 27 जून के करंट अफेयर में भी बताया था। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ईरान 8th प्रेसिडेंट, 8वां प्रेसिडेंट कौन बना है ईरान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको एक बार और बताया था, अब इसको याद रखना आपकी जिम्मेवारी है, इसी वजह से मैंने एक बार और सोचा कि बता दूँ। चार ऑप्शन है, जिसने भी वो वीडियो देखा होगा वो जो है इन चारों में से बता सकता है उसका आंसर। तो ये आपको एकदम रट्टा होना चाहिए, यानी कि अभी जो ईरान की प्रेसिडेंट बने हैं, हर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो आपको हमेशा याद रखनी होती है, करंट अफेयर इसी बात का तो आपको याद रखना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है इब्राहिम रैजी। इब्राहिम रैजी जो है अभी ईरान के, क्या गाइस, अभी ईरान के 8वें जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं, कौन, इब्राहिम रैजी। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। और इस पूरे चैप्टर का जो, इस पूरे जो हमारा यहाँ पर आपको मैंने जितना भी पढ़ाया उसका जो करंट अफेयर का पूरा PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।